morning, students. Hope you all are well and in good health. And start to going to school with maintaining protocols. प्यारे बच्चों, आशा है आज आप सभी स्वस्थ हैं और मैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका यह आपके नागरिक शास्त्र पाठ्य पुस्तक से है, इसे मैं बताऊंगा, इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे। बच्चों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लोकतंत्र में जनता यह अपेक्षा करती है कि सरकार उसके लिए बहुत सारे कार्य करे, चाहती है कि लोगों को उचित शिक्षा मिले, रोजगार के अवसर प्राप्त हो, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी सड़कें हो, शुद्ध और पर्याप्त जल आपूर्ति हो, बिजली हो, सफाई हो, ये सभी अपेक्षा करते हैं। आज स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, तो स्वास्थ्य हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसमें सरकार की क्या भूमिका है, सरकार किस हद तक इसे अमल में ला रही है और क्या कमजोरी है, इसे हम जानेंगे। तो बच्चे, व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, इससे पहले हम जानेंगे स्वास्थ्य का मतलब बीमारी नहीं होना, चोट नहीं लगना, बीमारी और चोट से दूर रहना, ये तो है। लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी होती है। बीमारी नहीं होना तो उसके लिए बहुत कुछ होना जरूरी है, स्वच्छ जल होना बहुत जरूरी है, ऐसा वातावरण, शुद्ध वातावरण और स्वच्छ जल यदि लोगों को मिले तो बीमार नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार घुटन भरी वातावरण में रहना, भोजन ठीक से नहीं प्राप्त होना, इससे क्या होगा, बीमारियों की संख्या बढ़ेगी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज भी हमारे देश में समस्त बच्चों में 50% आधे बच्चे ठीक से आहार नहीं ले पाते, उनको पूर्ण भोजन, संतुलित भोजन नहीं मिलता, इसीलिए वे बीमार हैं। तो हेल्थ में यह होता है कि हम क्या रहना चाहेंगे, चुस्त रहना चाहेंगे, दुरुस्त रहना चाहेंगे, है ना, बिना संशय के, बिना डर के एक अच्छे वातावरण में काम करना चाहेंगे ताकि अच्छा से हम प्रोग्रेस कर सके, तो इसके लिए भी वैसा ही वातावरण होने की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी चीजें हेल्थ से। बच्चे, अब हम हेल्थ केयर इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, इसके बारे में जानेंगे। प्रायः यह कहा जाता है कि हमारे देश में इतनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं उपलब्ध कराई जा सकती क्योंकि सरकार के पास इतने पैसे नहीं है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ये बिल्कुल विरोधाभास आप अपनी पुस्तक के सेकंड पेज में देखिएगा, स्तंभ बना हुआ है, कॉलम है,
लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट कॉलम में देखिएगा, इसमें बताया गया है कि विश्व सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज हमारे देश में, प्रति वर्ष हमारे देश में 15,000 से भी ज्यादा डॉक्टर बनते हैं। हमारे देश में बाहर से बहुत सारे कंट्रीज से चिकित्सा पर्यटक, मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे यहां बहुत कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो विश्व स्तरीय है और कम दामों में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती है। आज हमारे देश में 2000 के डेटा के अनुसार 18,000 से ज्यादा मेडिकल अस्पताल थे, आज इनकी संख्या 20,000 से भी ज्यादा हो गई है। हमारा देश दवाई के मामले में विश्व का चौथा देश है, जहां पर सबसे अधिक मेडिसिन तैयार किए जाते हैं और हम इनका एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो हमारे यहां बहुत सारी चीजें हैं, पैसे की कमी नहीं है और योग्यताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद आप यदि किताब के दाईं कॉलम में देखें तो दुख होगा कि आज भी हमारे देश में गांव में अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। जितने भी ज्यादातर मेडिकल और अच्छी मेडिकल ये शहरों तक ही सीमित है, गांव के लोगों को बहुत दूर लंबी दूरी तय करके शहर आना पड़ता है। आज भी हमारे देश में 5,00,000 से भी अधिक लोग तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। टीबी से देखिए, आज भी हमारे देश में 20,000 से ज्यादा रिपोर्ट मलेरिया के आते हैं, जो विगत वर्षों से ये कमी नहीं हो रहा है। इतनी फैसिलिटीज के बाद भी स्वच्छ और साफ जल के अभाव के कारण कम्युनिकेबल डिजीज, बहुत सारी ऐसे ऐसे बीमारियां है जो फैल रही है, हैजा, दस्त, डायरिया, डिसेंट्री, इस तरह की बीमारी फैल रही है जिससे लाखों लाखों लोग ग्रसित हैं। आधे से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, उनको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, तो ये विरोधाभास की अवस्थिति है। दोनों कॉलम में आप सामंजस्य स्थापित करके देखिएगा, एक में तो फैसिलिटीज ही फैसिलिटीज है हमारे देश में, दूसरी तरफ ये सारी चीजें हो रही है। ये बहुत दुख की बात। तो बच्चे, हमारे देश में मेडिकल दवाई अच्छे अच्छे डॉक्टर की कमी तो नहीं है, और पब्लिक सेक्टर के जरिए एक बहुत विशाल एरिया शहर और गांव के क्षेत्र में इस पर काम की जा रही है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी कमी नहीं है। फिर भी एक जो लेवल है जहाँ पहुँचना चाहिए उसमें हम अब भी काफी पीछे हैं। एक विरोधाभास जनक स्थिति है कि इतना सब होते हुए भी हम प्रत्येक नागरिक को उचित स्वास्थ्य सेवा देने में सक्षम नहीं हो पा रही है, ये सोचने वाली बात। अब हम पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, इसके बारे में जानेंगे। छात्रों, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस को जानने से पूर्व हम आपकी पाठ्य पुस्तक में आते हैं।
आप पाठ्य पुस्तक के तीसरा चौथा पेज दोनों पेजेस पे चित्रों के माध्यम से एक कहानी है उसे समझने की कोशिश कीजिए। और यदि आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो आपको व्हाट इज पब्लिक एंड व्हाट इज प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेस आपको जानने में मदद मिलेगी। तो मैं बताना चाहूंगा संक्षेप में, दो मित्र हैं, इसमें लिखा गया है दो मित्र हैं, अमन और रंजन। दोनों का फैमिली बैकग्राउंड अलग है। अमन एक संपन्न परिवार से है लेकिन रंजन एक गरीब परिवार से है। काफी दिनों के बाद वो मिलते हैं और पूछते हैं हालचाल पूछते हैं, तो अमन बताता है कि मुझे वायरल फीवर हो गया था इसीलिए मैं घर पर था, विद्यालय नहीं आ सका। तो रंजन भी बताता है कि मुझे भी वायरल हो गया था। तो अमन बताता है कि जब मुझे मैं बीमार हुआ तो मेरा पिताजी एक निजी अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, बहुत सुंदर हॉस्पिटल था, बताता है अपने दोस्त को, एकदम ऐसा लगता है कि स्टार होटल का जैसा, चमचमाता चारों तरफ एकदम रौनक, लाइट्स साफ सुथरा एकदम। तो पिताजी मुझे लेकर गए और ओपीडी का जो काउंटर है वहां पर जाते साथ ही 500 रुपये दिए। 500 रुपये देने के बाद फिर हम डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर के यहाँ लंबी लाइन भी नहीं थी, हम आराम से डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने बहुत अच्छा से हमारा स्वागत किया और मेरी जांच की और मुझे बहुत सारे टेस्ट करवाने के लिए लिखा। फिर पिताजी मुझे लेकर टेस्ट कराने गए, तरह तरह के टेस्ट, वहाँ भी सभी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया और तरह तरह के टेस्ट किए गए और रिपोर्ट भी जल्दी मिल गया। फिर पुनः हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ है, बहुत सारा टेस्ट का रिपोर्ट देखे, उसके बाद कहा कि को वायरल फीवर हुआ है और मुझे बहुत सारी दवाइयां दी और कहा कि आप आराम करो और बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ इसके लिए। तो रंजन ने कहा कि मेरी स्थिति आपके बिल्कुल विपरीत था, मेरे पिताजी मुझे लेकर एक सरकारी अस्पताल में गए जहां भी सबसे पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए मुझे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, मुझे तो चक्कर आ रहा था। जैसे तैसे घंटों के बाद हम डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच के लिए कहा। फिर हम वहां से निकले और खून की जांच के लिए फिर लंबी कतार में खड़े हुए। काफी देर के बाद मेरी खून की जांच की गई और मुझे कहा गया कि 3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा, आना। 3 दिन के बाद रिपोर्ट लेकर फिर लंबी लाइन होते हुए भीड़, उसके बाद हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जांच देखी, बोला कोई बात नहीं, आपको वायरल हुआ है, एक गोली दी है, बोला इसे खा लो और आपको आराम हो जाएगा, आप आराम भी करिएगा। तो अमन ने कहा कि मेरा हॉस्पिटल तो बहुत सुंदर था, मुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, पिताजी का बहुत सारा रुपया खर्च हो गया और मुझे बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ी। तो रंजन ने कहा मेरा भले ही अस्पताल काफी भीड़ था, मुझे वेट करना पड़ा, तकलीफ तो हुई, लेकिन मेरे पिताजी का बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं हुआ और मैं ठीक भी हो गया। तो बच्चे अब आते हैं कि सार्वजनिक सेवा और निजी स्वास्थ्य सेवा क्या है। सार्वजनिक सेवा यानी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेस। आप हमारे अंडमान में,
अंडमान में भी देख लीजिएगा। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या होती है, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र और जो अस्पताल होते हैं ये एक श्रृंखला में बंधे होते हैं। पहले सबसे पहले गांव में देखिएगा एक सब सेंटर होता है, वो सब सेंटर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर नर्स या एएनएम होते हैं और वहां पर ग्राम सेवक भी एक होता है, वो उनको प्रशिक्षित किया जाता है छोटी मोटी बीमारियों के लिए, छोटी मोटी जो बीमार लोग आते हैं उनकी देखभाल करते हैं। और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है वो किसके देखरेख में काम करता है, पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है गांव की रीढ़ होती है, जहां पर डॉक्टर्स होते हैं, जहां पर आउट पेशेंट और इन पेशेंट की व्यवस्था होती है, वहां पर लैब भी होते हैं, तो यहां पर काफी भीड़ भी होती है, यहां पर लोगों को एडमिट भी किया जाता है, यहां पर काफी हद तक गांव के बीमार लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहती है। और ये सारा पीएससी का देखरेख कौन करता है, जिला स्तर पर, जैसे हमारे पोर्ट ब्लेयर में है ना जीबी पंत हॉस्पिटल, तो जीबी पंत हॉस्पिटल इस तरह के जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे देखिएगा पीएससी मंगलुटान, पीएससी छोलदारी, पीएससी तुष्णाबाद, पीएससी विमलीगंज, तो यहाँ पर पीएससी है। तो ये जो जिला स्तर के जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं और बड़े हॉस्पिटल में किस्म किस्म के डॉक्टर्स है, बड़े बड़े लैब है, हर सुविधाएं होती है जहाँ पर लोग आकर अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं। तो बच्चे पब्लिक हेल्थ केयर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब है सभी को, समाज के सभी तबके के लोग निःशुल्क रूप से मेडिकल सेवा प्राप्त कर सके, गरीब लोगों की सेवा उन्हें भी प्राप्त होती है। ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है ये दूसरे काम भी करती है, जैसे मलेरिया, पोलियो, डेंगू, टाइफाइड, अंडमान फीवर जैसी बीमारियां हैं, इनके बारे में लोगों को, टीबी, इनके बारे में लोगों को जागरूक बनाती है। आपको मालूम ही होगा कि विद्यालयों में बच्चों को डीवॉर्मिंग डे मनाया जाता है और उसमें कीड़े की दवाई भी दिया जाता है। पोलियो अभियान एक बड़े पैमाने पर की जाती है जहाँ पर 6 महीना से लेकर 5 वर्ष के आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है। ये सभी सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आती है। और आज के डेट में आपको मालूम ही है पेंडेमिक सिचुएशन में कोविड का टीकाकरण हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, जहाँ पर लोगों को तो ये सेवाएं सार्वजनिक सेवाओं के तहत कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ये सभी सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक सेवाओं में क्या होता है, ये निशुल्क होती है या बहुत कम कीमत में आपको सेवाएं प्राप्त होती है। अब हम निजी स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। हमारे देश में आज निजी स्वास्थ्य सुविधाएं दिनों दिन बढ़ रही है। गांव में जो होते हैं पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, छोटा मेडिकल से लेकर बड़े बड़े नर्सिंग होम, बड़े बड़े मेडिकल फैसिलिटी शहरों में आइए, इतनी सुविधाएं प्राइवेट में दी जाती है जहां पर डॉक्टर उसके बाद स्पेशलिस्ट सबकी भरमार होती है। शहर के हर कोने कोने में आपको दवाई की दुकानें मिल जाएगी जहां पर लोग पैसे देकर दवाइयां खरीदते हैं, तो बहुत सुविधाएं रहती है।
लेकिन ये सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हर सेवा के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो आज तो बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भी इन मेडिकल सुविधाओं से जुड़ गई है और ये भी तरह तरह के नर्सिंग होम और मेडिकल बड़े बड़े मेडिकल की स्थापना की है जहां पर लोग काफी पैसा देकर अपना इलाज कराते हैं। और बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो दवाई बनाती भी है और बेचती भी। बच्चों, मैं निजी अस्पताल प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर बता रहा था। आज शहरों में विशेषकर संख्या बहुत ज्यादा है और उनकी बहुत सारे लैब है, फैसिलिटीज है, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट कराने के लिए अलग अलग फैसिलिटीज है जहाँ पर लोग अपना टेस्ट कराते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अब ये जानना जरूरी है कि निजी सेवाएं या निजी सुविधाएं क्या होती है। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है और ये जो निजी अस्पताल है और संस्थाएं हैं फलती फूलती रहती है, क्योंकि हर सेवा के लिए ये लोगों से काफी पैसा लेती है। जिस तरह के मेडिकल में जाओगे उस तरह पैसा ये लेते हैं। तो ये सबके लिए ये नहीं हो पाता है। गरीब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाने में सक्षम नहीं होते हैं और ये है कभी कभी मजबूरन लोगों को दिखाना ही पड़ता है प्राइवेट मेडिकल में। ऐसे हालात में लोग बहुत सारी अपना संपत्ति तक को बेच देते हैं ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवा ले सके। ये एक तरह से अब शहर के हर कोने कोने में फैल गया है। आजकल तो दवाई मंगवाते भी है लोग, सारा दुकानें भरी पड़ी है, जो दवाई चाहिए आपको मिल जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि सरकारी अस्पताल में, एक कहानी भी है आप आपकी किताब में हाकिम शेख का, तो उनको ऐसा चोट लग जाता है लेकिन सरकारी अस्पताल में जगह नहीं होती है या रिजेक्ट होता है या पर सुविधाएं नहीं होती है, अंततः उसको बहुत सारी संपत्ति बेच कर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करना पड़ता है। तो ये एक बात है। तो हमारा जो पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर में सभी लोगों के लिए होती है लेकिन जितना होना चाहिए इसका अभाव रहता है। बच्चे, अब तक हमने रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ पार्ट वन के तहत काफी कुछ जाने कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ का की भूमिका के बारे में जाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जाना होगा। इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, कुछ किए हैं और कुछ आपको करना है। बहुत इजी है, यदि आपने वीडियो देखा होगा तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है कि वेयर आर एमपीज, हाउ आर एमपी कहां पाए जाते हैं। आर एमपी मैंने आपको बताया था, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय, ये कहां पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र, गांव गांव में ऐसे जो व्यवसायी है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये पाए जाते हैं। इसे आप नोटबुक पर लिख लेंगे। दूसरा है एक्सटेंड ओपीडी, ओपीडी का पूरा नाम बताइए। मेडिकल में अगर यदि आप गए हैं तो ओपीडी बड़ा सा लिखा रहता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट,
मतलब है? एक अच्छा प्रश्न है, डिफाइन मेडिकल टूरिस्ट, चिकित्सा पर्यटक को परिभाषित कीजिए। मैंने जब कंपेयर करके आपको पढ़ाया था तो मेडिकल टूरिस्ट चिकित्सा पर्यटक क्या होते हैं, बाहर विश्व के बहुत सारे देशों से हमारे देश में पर्यटक केवल मेडिकल फैसिलिटीज लेने के लिए आते हैं, अपने इलाज के लिए आते हैं। ऐसे टूरिस्ट को हम चिकित्सा पर्यटक या मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे देश में विश्व स्तर की मेडिकल फैसिलिटीज भी है जो अन्य देशों से कम कीमत पर लोगों को मुहैया कराई जाती है। What are the two categories of various हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सेवाओं के दो मोटे वर्ग कौन कौन से हैं? तो दो मोटे वर्ग है, एक है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा है निजी स्वास्थ्य फैसिलिटीज सेवाएं। तो सार्वजनिक मतलब आपका पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेस और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ये उसके उत्तर है। मेंशन सम कम्युनिकेबल डिजीजेस, कुछ संचारणीय बीमारियों के नाम बताइए। बहुत सारी बीमारियां हैं, संचारणीय बीमारियां, और आज के संदर्भ में एक संचारणीय बीमारी क्या है, हवा से जो है ये है, कोविड भी है, मलेरिया है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉमन फ्लू है, बहुत तरह की, पानी से है, हवा से है, तो एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज, तरह तरह के डिजीज है जो एक से दूसरों तक फैलती है। इसका उत्तर भी आप लिख लेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों कि आपने इस पार्ट को भली भांति समझ चुके होंगे। आप इसे अपनी कॉपी पर लिख ले और मैं आपके शुभ स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।